तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे मीटर ब्रिज के मदद से कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस वायर है इसका रेजिस्टिविटी फाइंड कैसे करें। तो इसके लिए सेटअप देखिए सामने आपके है। तो ये मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं, यानी कि हमें कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टिविटी कितना है ये फाइंड करना है। वायर है इसका रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये मीटर ब्रिज वर्क करता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है कि पी अपान क्यू, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है पी अपान क्यू इजकल टू आर अपान एस, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पी अपान क्यू इजकल टू आर अपान एस। पी क्यू और आर ये तीनों नॉन रेजिस्टेंस जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, और ये यस जो है अननोन रेजिस्टेंस, यही यस की वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोग वेरीफाई निकाल सकते हैं, यानी पी एस इजकल टू आर क्यू। और यहाँ से यस की वैल्यू निकालेंगे तो यस इजकल टू आर क्यू अपान पी। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग यस का कितना ओम रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी इसकी फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस यानी पी अपान क्यू इजकल टू आर अपान एस फार्मूला से। तो पी क्यू आर एस क्या है सेटअप पर देखते हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें इस तरीके से है, देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो इसका कनेक्शन मीटर ब्रिज में है, ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज क्यों नाम है क्योंकि एक मीटर लेंथ का ये लगा हुआ है ब्रिज है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं कनेक्शन, एक वायर ला कर और इसके रेजिस्टेंस के एक इंड पर, यहाँ एक इंड है तो दोनों इंड में से एक इंड पर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ जैसे कनेक्ट है ये, और यहाँ से दूसरा वायर देखिए मीटर ब्रिज में से ये निकला हुआ है, दूसरा वायर हिलाकर रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे इंड से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, और ये लास्ट वाला यहाँ मीटर ब्रिज का जो एक किनारे का है लेफ्ट साइड, और इस ये कनेक्ट होकर बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट हो जाता है, और बैटरी का ये निगेटिव पोल जो है ये मीटर ब्रिज के दूसरे इंड राइट हैंड साइड के इंड पर कनेक्ट हो जाता है। पॉजिटिव इधर लेफ्ट साइड का इंड से कनेक्ट है, और मीटर ब्रिज का ये मीटर वाला लास्ट वाला जो है ये निगेटिव इंड इससे कनेक्ट है। और यहाँ से एक इंड से शुरू होकर ये बैटरी रेजिस्टेंस बॉक्स के एक इंड से कनेक्ट होता है, दूसरा जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरे इंड से कनेक्ट हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और बीच में लगा हुआ है तो बीच में एक वायर निकलेगा, और ये गैल्वेनोमीटर जो करंट डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट हो गया, और दूसरा इंड जो है यहाँ से निकलकर ये जॉकी से कनेक्ट है, जॉकी से। तो और यहाँ एक राइट साइड में ये जो बना हुआ है दो, इसमें एक वायर लगा दिए हैं अननोन रेजिस्टेंस, इसी का रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। यस है, यस है। बीच में गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है पॉजिटिव पोल से, दूसरा जो है जॉकी से आकर यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है। ये पूरा सेटअप इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं कि पी क्यू आर एस में यस की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू और आर तीन की वैल्यू हम लोगों को पहले से मालूम रहेगा तभी यस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से, पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस से। तो पी की वैल्यू के लिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से हम जो भी की निकालते हैं उतना ओम रेजिस्टेंस पी की वैल्यू वहीं हो जाता है। सपोज करिए कि इसमें 5 ओम जो है 5 लिखा हुआ है ये हमने बाहर कर लिया, ये 5 निकल गया, यानी 5 ओम पी की वैल्यू 5 ओम हो जाती है, ये एक्टिव हो गया पी की वैल्यू 5 ओम। अब इसके बाद 5 ओम हो गया, और अब देखते हैं फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर से, अब ये जो जॉकी है ये मीटर ब्रिज में एक वायर लगा हुआ है, इस मीटर ब्रिज से कहीं हम इसको टच कराते हैं, इसे छूते हैं तो कनेक्ट कराते हैं, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर जो है ये रीडिंग डिफ्लेक्ट होता है। तो जिस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अगर मान लो कि इस तरफ चला गया तो उस तरफ ये जॉकी से उस तरफ लाते हैं और इसे बीच में लाते हैं, जैसे ये पोजीशन जो है जीरो पोजीशन, इस पोजीशन पर लाते हैं और जहाँ टच करने पर ये पोजीशन मिल जाता है जीरो, नो डिफ्लेक्शन, यानी बीच में एकदम मिल जाता है। तो सपोज करते हैं बैटरी ये इस समय थोड़ा सा डिस्चार्ज है, वर्क नहीं कर पा रहा है,
समझने के लिए देख लेते हैं। अगर सपोज करते हैं हम ऐसे घुमा कर इसको कहीं हम 70 पर ला दिए, ये मीटर स्केल पर लगा हुआ है, जहाँ पर ये डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल इस पोजीशन पर हो गया। तो 70 पर अगर जैसे 70 पर एकदम इस पोजीशन पर हो गया, तो पी की वैल्यू यहाँ जो निकाले हैं 5 ओम, और यहाँ जीरो से लेकर यहाँ 70 पर आकर रुका हुआ है, तो 70 की वैल्यू हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू 70 और 100 माइनस 70 कर देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा वो आर की वैल्यू। अब यस की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, यानी यहाँ हम पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पी की वैल्यू 5 रखते हैं और क्यू का वैल्यू 70 और बराबर आर का वैल्यू 100 माइनस 70 और अपान यस, ये है पी 5 अपान 70 इक्वल टू 100 माइनस 70 अपान 5 यस। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 2 5 4 1 अपान 14 और ये हो जाएगा 30 अपान यस, यानी 1 अपान 14 इजकल टू 30 अपान यस। तो यानी यस इजकल टू 14 इंटू 30, तो 14 3 जा 42 और इतना ओम, तो यस की वैल्यू आ जाती है ये इक्वेशन से 420 ओम। तो इस तरीके से पी अपान क्यू अपान यस, पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान यस, वीटी स्टोन ब्रिज से मीटर ब्रिज से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।